एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस यहाँ पे देखिए, तो आज डे है फ्राइडे का और टाइम हो रहा है कुछ 10 बजे का। और ये देखिए तो मौसम आज का इतनी तेज वाली घनघोर वाली बारिश हो रही है ना, तो सुबह से ही मौसम ख़राब था। सुबह धीरे धीरे हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, धूप भी थी, तो मुझे लगा शायद ना खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है ना कि ये 10 बजे का टाइम हो रहा, एकदम से बादल छाए और बहुत ही तेज भयंकर वाली ना बारिश होने लगी। अच्छा, बारिश तो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, बट क्या होता है ना, बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऊपर ना पूरा छत खुला है ना, तो जैसे ही बारिश होती है ना, और जो छत की जो पाइप है ना, जो नीचे जाती है नाले में, तो वो पाइप बड़ी पतली सी है, तो एकदम से ना पानी ना जब तेज़ बारिश होती है ना, तो एकदम ओवरलोड होने लगता है पानी, एकदम अंदर तक आके ना सीढ़ी से जो है ना नीचे गिरने लगता है, तो बड़ी ज़्यादा ना प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो बस आके देखे, ऊपर आई हूँ ना, देखे पूरा पानी ना यहाँ जो छज्जा लगवाए हम ना वहाँ तक अंदर भरा जा रहा था। तो फिर मैं आई हूँ, मैं क्योंकि थोड़ा देखती हूँ सब कुछ सामान इधर उधर अच्छे से रख देती हूँ, और उसके बाद बाल्टियाँ वगैरह वहाँ पे मैंने लगा दिया है, पाइप को भी थोड़ा सा मैंने ना मतलब हटा दिया वहाँ से सब कुछ, कि पानी अच्छे से निकल जाए। तो बस वही सब करके उसके बाद देखिए तो आ गई हूँ नीचे, नहाना वहाना हो गया, घर का सारा काम मेरा हो गया है, और बस यहाँ पर देखिए नाश्ते में कहीं ना चलो फल पड़े थे तो फल ही खा लेती हूँ, और साथ में निखिल भी है तो उसको भी देती हूँ। तो क्या है, सुना है, सुना डेली स्कूल जाती तो उसको मैं डेली फ्रूट पैक करके दे देती हूँ खाना के साथ में। रूमा भी अपना फल वगैरह लेकर जाती है, हस्बैंड को भी डेली दे देती हूँ, बट निखिल का रहता है ना वो नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा उसको ना कहना पड़ता है। तो मैं कही चलो फल ही है तो फल मैं कट कर लेती हूँ, उसको भी देती हूँ, साथ में मैं भी खा लेती हूँ। फल वगैरह खा लिया, उसके बाद देखिए तो ये पड़े हुए थे कपड़े, और कपड़े नहीं धोया, कपड़े सोचे धोने के लिए, लेकिन वही बारिश होने लगी ना, फिर मैं कही कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और बारिश हो रही तो फिर कहाँ धोऊँ कहाँ सुखाऊँ, यही वाली बात थी। तो फिर कपड़े नहीं धुले, बाकी जो है सारा काम मेरा हो ही गया है, और बस ये कपड़े थोड़ी से पहले के धुले हुए थे, मतलब सूख गए थे ये, तो ऊपर से लाई मैं, क्योंकि इनको भी ना फोल्ड करके जो है कि रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो टाइम हो रहा है कुछ 11 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे देखिए तो बस मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये गाइस मैं ना खाना जो है कि लंच के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं खाना बना रही हूँ निखिल के लिए बना रही हूँ। वो ना अभी ना उसको कहीं जाना है, मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाना है उसको, रोपड़ जा रहा है वो, तो उसी के लिए जो है ना कि मैं रास्ते के लिए खाना बना रही हूँ। तो क्या है फ्रेंड ना कि निखिल का जो है ना कि कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो हमने सोचा था ना कि यहाँ दिल्ली के ना गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, तो उसने एंट्रेंस एग्जाम जो है ना कि दिया था, लेकिन ना उसका नाम आया नहीं, तो फिर जो है कि हमने सोचा, हम तो सोच रहे थे कि 1 साल का गैप करवा के फिर से जो है कि अच्छे से तैयारी करवा के ना उसका जो है कि फिर से पेपर दिलवाएंगे, आ जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा। बट फिर हस्बैंड को सही नहीं लगा, वो कहे कि फिर 1 साल का गैप हो जाएगा, और जो है ना कि फिर क्या होगा ना कि फिर बच्चे का होता है ना मूड, फिर वही है 1 साल बैठा ही रहेगा। तो फिर इन्होंने क्या किया ना कि प्राइवेट कॉलेज में जो है कि एडमिशन कराया है निखिल का नोएडा में, तो फाइनली जो है कि उसका ना नोएडा में जो है कि एडमिशन हो गया है कॉलेज में। और कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके साथ साथ ना 1-2 कोर्स हो ना और अलग से कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, तो जो है कि उसी का जो है ना सेमिनार है रोपड़ में, तो वहीं ये जो है ना कि वहीं जा रहा है। तो एक निखिल है और साथ में एक इसका दोस्त है, तो ये दोनों लोग जाएंगे। निखिल का आने जाने का और वहाँ रुकने का ना मतलब सब मिला के ना मतलब 2-3 दिन लग जाएगा, तो फिर वही जो है कि वो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए तो अभी वो ना चला गया है कपड़े लेने के लिए कुछ, तो हस्बैंड बोले ना कि कपड़े जाके ले लेना, क्योंकि वो घर में ही रहता था, तो जो है कि नॉर्मल टी शर्ट और वो पजामे वगैरह डाल के रखता था, तो फिर हस्बैंड बोले जाके अच्छे से कपड़े ले लेना, क्योंकि अभी डेली इसको कॉलेज भी जाना होगा और यहाँ वहाँ उसको ना बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा है ना, तो फिर हस्बैंड बोले जाके कपड़े ले लेना, तो वो चला गया कपड़े लेने। शाम को गया था बट ना वो भैया थे नहीं जिनसे वो कपड़े लेता, तो इतनी टाइम वो बुलाए थे, फ़ोन किया तो इतनी टाइम गया लेने, तो वो आएगा अभी, फिर रेडी वेडी होके लोग जाएंगे, और यहाँ पे मैं जो है ना उसके लिए और उनके दोस्त के लिए जो है कि खाना बना रही हूँ मैं, क्योंकि रास्ते के लिए खाना बना देती हूँ, 5-6 घंटे ट्रेन में लगेगा तो खाना ना खा लेंगे ये लोग, तो उसी के लिए पनीर की भुर्जी सिंपल सी बना रही हूँ, मक्खन और तेल डाल के तड़का, मतलब वही गर्म करके ना जीरा हींग का तड़का दे के वही प्याज अदरक लहसुन टमाटर ये सब डाल के भून लिया था, मसाले डाल के भून रही हूँ, नमक उमक डाल दूंगी, और उसके बाद पनीर डाल के ना अच्छे से धीमी आँच पर ढक दूंगी, तो बहुत ही टेस्टी से ना पनीर की भुर्जी बन के तैयार हो जाती है, और साथ में जो है ना कि पराठे
बना लूंगी। तो गाइस पहली बार वो इस तरह से आउट ऑफ स्टेशन गए, मतलब उधर पंजाब साइड गया ना, तो मुझे मतलब उधर का एरिया हमें पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, और आजकल समय भी कैसा ना, तो थोड़ा सा मुझे ना जैसे टेंशन सी हो रही थी। बट हस्बैंड ने ना पहले से ही मतलब उसका सारा मतलब ट्रेन का आने जाने का टिकट और जहाँ पे लोग स्टे करेंगे वो होटल सब कुछ उन्होंने पहले ही बुक कर दिया कि बच्चे अगर रात में पहुँचेंगे तो कहाँ इधर उधर भटकेंगे, इससे अच्छा पहले से बुक कर दूँ तो ये लोग आराम से जाएंगे और आराम कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे इनका सेमिनार है, फिर वो जो है कि फिर सेमिनार के बाद फिर शाम तक ये आएंगे, मतलब तो ऐसा कुछ इन्होंने सब कुछ पहले से ही कर दिया है। लेकिन हाँ माँ हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा ना टेंशन हो रही थी, मतलब दिमाग में ही चल रहा था ना कैसे जाएंगे कैसे नहीं, क्योंकि आजकल का समय ठीक नहीं है ना, मतलब ऐसे ही होता है। तो रात में भी मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और सुबह भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, मैं करी बस चला जाए और अच्छे से आ जाए। लेकिन वो इतना ज़्यादा खुश है गाइस ना कि बस पूछिए, मतलब सबसे ज़्यादा तो वो इसलिए खुश है ना कि उसका जो मनपसंद कॉलेज में जो है कि उसका जो सब्जेक्ट जो उसको चाहिए ना उसमें जो है कि उसका ना इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, तो वो बहुत एडमिशन करवा दिए हस्बैंड ने, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत बहुत खुश है और बहुत एक्साइटेड है। तो बड़ा ज़्यादा मतलब उसको देख के हमें खुशी हो रही कि अच्छा है बच्चा, मतलब कुछ करें देखिए ना तो अच्छा लगता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए थोड़ी फिक्र तो होती है ना, लेकिन हाँ बस यही दुआ करते हैं कि लाइफ में जो है ना कि वो खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें अपना और अच्छी ज़िंदगी जिए। और यहाँ पे देखिए गाइस, तो बस यहाँ पे खाना मैंने बना दिया है, तो ये देखिए ये है पराठे हैं और साथ में देखिए तो पनीर की भुर्जी है, तो बन गया है खाना। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर जो है कि मैं इसको पैक कर दूंगी। और अभी देखिए तो निखिल आ गया है कपड़े पड़े लेके, अपने दोस्त को साथ में लेकर ही आ गए क्योंकि इनके दोस्त भी जाएंगे, तो अपना दोनों लोग यहाँ पे आ गए हैं और बस ये ना नहा वहा लिया है, करे तो मम्मी थोड़ा सा खाना दे दूँ खा लेता हूँ, और इनके दोस्त को भी पूछा तो करे नहीं आंटी मैंने खाना ना खा के आया हूँ, तो बस ये भी एक रोटी करे था दे दो मम्मी तो खा लिया है, और बस ये लोग अपना अब थोड़ी देर में अभी निकलेंगे। और खाना मैंने जो है ना दोनों बच्चों के लिए पैक कर दिया और बार बार पूछे जा रही हूँ, इनको समझाए जा रही हूँ कि थोड़ा ना सावधानी से जाना, हर चीज़ नोटिस करते रहना, ध्यान से रहना, कुछ उल्टा सीधा मत खा लेना, यही सब जो है कि इनको समझा के। और बस यहाँ पे देखिए तो अब ये लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, तो ये ना कपड़े लेकर आया था, तो बहुत सारे मतलब मैंने बोला कि इसको जाके अपना ना ले लेना एक ही बार कपड़े, क्योंकि रोज़ रोज़ होगा नहीं और तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तो ये कपड़े लाया ऐसे रख दिया, बाकी एक दो जोड़ी ये लेकर गया, बाकी करे तो मम्मी मेरा सारा कपड़े ना अच्छे से फोल्ड करके रख देना, मैंने बोला चलो मैं फोल्ड करके रख दूँगी तुम जाओ, तो फिर वो चला गया। और बस यहाँ पे देखिए तो सारे कपड़े इसके ना मतलब ये 2-3-4 शर्ट लेकर आया, टी शर्ट और जीन्स पैंट सब लेकर आया जो उसको चाहिए था, तो मैं कह कि चलो अच्छा है लेकर आ गया, अब खुशी खुशी अपना पहनेगा और अपना जो है कि कॉलेज जाएगा और लाइफ को कॉलेज लाइफ जो है ना कि इसकी जो न्यू जर्नी है न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही कॉलेज वाली ना, तो खूब अच्छे से इंजॉय करेगा। तो बस चलिए इसके कपड़े जो है ना गाइस ये सारे मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और अभी ना टाइम हो गया है, शाम का टाइम हो गया है, तो क्या है ना कि निखिल चला गया था, उसके बाद लंच वगैरह करी, मन तो नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत मैंने लंच किया, उसके बाद जो है ना कि सो गई थी, ठंडा मौसम था, बारिश हो ही रही थी, अभी बंद हो गई है बारिश, तो बारिश हो ही रही थी, फिर उसके बाद जो मैं सो गई थी, थोड़ा अब उठी हुई ना, तो यहाँ पर देखिए गाइस अचार ये जो मैंने ना वो करौना और नींबू मिर्च का डाला था ना, तो ये 3-4-5 दिन हो गया, रक्षाबंधन के पहले ही मैंने शायद डाला था, ध्यान भी नहीं आ रहा है, तो ये जो है ना कि गल गया है बढ़िया से, नमक हल्दी डाल के रखा था, तो बस मैं कहीं इसमें ना मसाले मिला देती हूँ। और मसाले में यही मैंने ले लिया है पंचफोड़न, जो 5 तरह के मसाले अचार में पड़ते हैं ना, यही सब मैंने ले लिया है, और साथ में जो है कि मिर्ची ले लिया है सूखी, तो ये सब मैं ना थोड़ा सा तवे पे ना भून लूँगी, थोड़ा चटकने दूँगी, और आँच को एकदम धीमे कर दिया तवा एक बार गर्म करके, बस इसको ना मुझे चटका लेना है, उसके बाद जो है ना कि इसको मुझे पीसना है। तो अचार का मसाला जो होता है ना यही सब मैंने ले लिया है, सबको ही पता ही होता है, और मैंने अपना जो आम का अचार बनाया था ना तो उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अचार के मसाले में कौन कौन सा मसाला पड़ता है, तो वही सब जो है कि मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मतलब ये भून के उसके बाद जो है कि इसको मैं पीस लूँगी। अच्छा इसमें मैं लहसुन भी डालूँगी, लेकिन लहसुन को मैं पीसूँगी नहीं, इसको मैं ना लहसुन को कूट के डालूँगी। और मसाला मैंने इतना लिया है ना जितना मुझे जैसे लगा कि सही लगेगा, मतलब उसमें मिर्च और नींबू ये सब जो डाल रही हूँ मैं ना अचार, तो उसी में जितना सही लगेगा उसी हिसाब से मैंने मसाला बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि मैं मसाले को जो है कि इसमें डाल दूंगी नींबू मिर्च और करौने में, और इसमें गाइस ना ये पानी छोड़ दिया एकदम, तो इसका पानी मैंने ना एकदम से निकाल दिया है, 4-5 रखो दिन रख दो ना, तो ये जो है कि नमक डाली थी हल्दी ने तो उसे पानी छोड़ देता है, तो
अच्छे से गल गया है मेरा ये जो है ना नींबू का सब कुछ ना बढ़िया से गल गया है। उसके बाद देखिए तो इसमें मसाले मैं मिला रही हूँ, और मसाले देखिए डाला थोड़ा सा, मतलब वही लहसुन कूट के डाला है, हींग डाल दिया है मैंने, और नमक थोड़ा सा और मैंने डाला है, थोड़ा चटपटा ये अच्छा लगता है। और नमक तो पहले मैंने डाला था, लेकिन हाँ थोड़ी मसालों में भी नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तभी चटपटा सा अचार जो है ना कि अच्छा लगता है खाने में। और अब इसमें मैं डालूंगी गरम गरम तेल डालूंगी सरसों का, तो तेल गरम करके डालो ना तो उससे जो है ना कि अचार जो है ना कि बढ़िया से गल भी जाता है और जो है ना लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। और ये इस अचार में मैं ना सूखा ही अचार बनाऊंगी, इसमें ज़्यादा ना तेल नहीं डालूंगी, तेल उतना ही मैं डालूंगी, मतलब एक कप के जितना मैं तेल इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल डाल के मिला लूँगी, ज़्यादा तेल नहीं डालूँ क्योंकि अचार मेरा थोड़ा ही है तो ये तो झटपट से ख़त्म ही हो जाएगा कुछ दिन में। हाँ ज़्यादा समय के लिए अगर अचार को रखना होता ना तब तेल ज़्यादा डालना होता है। तो बस ऐसे ही जो है कि थोड़ा सा तेल मैं अपना गर्म बढ़िया से करके इसके बाद जो है कि इसमें मिला रही हूँ, तो अच्छे से मिला के फिर इसको जो है ना कि एक डब्बे में पैक करके रख दूँगी, और देखूँगी धूप होगी ना तो एक आध दिन धूप और दिखा दूँगी, और नहीं तो इसको मैं ना ऐसे ही रख दूँगी, तो ये एकदम बन के रेडी होगा क्योंकि गल ही गया है, तो एक दो दिन में खाने के लिए ये तैयार हो जाएगा। और ये देखिए तो बस वो डब्बा जो बड़ा लग रहा था जिसमें मैंने डाला था ना ये नींबू उबू को सबको, तो फिर वो उसको मैंने अलग कर दिया, ये छोटे से डब्बे में जो है कि मैं इसी में आ जाएगा, तो इसमें मैं जो है कि रख दूँगी अचार को। और गाइस ये देखिए तो फाइनली हमारा नींबू मिर्च और करौने का अचार भी बनके तैयार हो गया है, तो बस अब इसको अब खाएंगे एक दो दिन में, थोड़ा एक दो दिन रहने दूंगी, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना इसमें, उसके बाद जो है कि खाएंगे। और अचार बनाया उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो गए थे ऑयली ऑयली सा सारा, तो उसको बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किया। उसके बाद जो है कि देखिए तो चाय मैं अपना चढ़ा दी हूँ, तो बस थोड़ी सी चाय बना रही हूँ अपने लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ कि सुना सो रही है अभी, सोची हूँ उसको जगाऊँगी, अगर वो उसको पीना होगा तो पी लेगी, उसका रहता है कभी पीती कभी नहीं, मैं कि थोड़ा सा बढ़ा के बना दे रही हूँ, नहीं तो वो ना पीने का मूड होगा ना तो फिर कहेगी मम्मी सिर्फ अपने लिए बनाई हूँ मेरे लिए नहीं, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया कि अगर उसको पीना भी होगा तो पी लेगी। और बस चाय ले लिया है गाइस, सुना को भी जगा दिया, तो ये भी देखिए उठ गई है, कह रही थी मम्मी पीऊँगी तो उसको भी थोड़ा सा दे दिया, साथ में उसको खाना था फ़ैन, तो फ़ैन वो ला ली है। और मैंने अपने लिए सिंपल सी ये बेसन वाली भुजिया नमकीन होती ना वो मैंने थोड़ा सा मंगा लिया, थोड़ा सा ही खाऊँगी या साथ में चाय पीऊँगी क्योंकि ऐसे मन नहीं करता है चाय पीने के लिए, थोड़ा सा कुछ रहता है ना तो अच्छा लगता है चाय के साथ खाने के लिए चाय पीने में, तो बस यही चाय पीऊँगी गाइस। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।